अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करेंगे हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट ऑब्स में, विच इज ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज, और उसमें से जल्दी से हम इंशाल्लाह इसको आज खत्म करते हैं विद द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और मैं आपको इसके बाद जब अगला आखिरी चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी ऑब्स का, तो उसके बाद देखिए 3 दिन के गैप के बाद 16 दिसंबर से इंशाल्लाह हम जनरल सर्जरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कहानी कुछ हुई थी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में ना, आपके एक दो इमरजेंसीज शुरू में होती है कि आपकी सिंपली कोलैप्स फीमेल अगर होती है, तो कोलैप्स फीमेल की एक जनरल सी अप्रोच है ABCDE की, ट्रीट द कॉज टाइप, उसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता। एक आता है आपका सेप्सिस, ठीक है, मैं आपको इससे मोटा मोटा सा बता रही हूँ कि वो मैं डिटेल में नहीं करा रही बिकॉज वो इतने ज्यादा आपके पास आते हैं, जिस जनरल आइडिया होना चाहिए। सेप्सिस आपको पता है कि जब इन्फेक्शन जो किसी भी सोर्स से शुरू हो, जो पूरी ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं, तो उसको सेप्सिस कहते हैं। एंड सेप्सिस की भी जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो इतना कोई मुश्किल सा नहीं है, एंड यू जस्ट हैव टू डू के आपने कल्चर्स कराने, और उससे पहले मतलब आपने सबसे पहले ब्लड ले लेना है कल्चर के लिए, उसके बाद आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है और वाइटल्स मॉनिटरिंग और ये सब कुछ, ठीक है। मतलब जाहिर है कोई आसान सी सिचुएशन नहीं होती सेप्सिस की, लेकिन स्टिल वो एक जनरल मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी उससे ज्यादा स्पेसिफिक सी बात पे, विच इज एंटीपार्टम हेमरेज, जो हमारा अभी का टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में। एंटीपार्टम हेमरेज से मुराद ये है, हेमरेज तो आपको बताया कि ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, एनी साइड ऑफ द बॉडी इज हेमरेज, तो एनी काइंड ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग विच अकर्स आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है। ये आपने 20 वीक्स का कट ऑफ वैल्यू जरूर लिखनी है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो 20 वीक्स के बाद अगर कोई भी वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। वजाइनल आफ्टर 20 वीक्स बट बिफोर बर्थ ऑफकोर्स, ठीक है। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग, अगर वजाइनल ब्लीडिंग ज्यादा होती है ना, तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, वो हम बाद में इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन ये बात है कि 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद होनी चाहिए एंड बर्थ या डिलीवरी से पहले होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली जो ब्लीडिंग है इसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। अब एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेटली बहुत सारी कॉजेज हैं, और इसको हमने असल में एंटीपार्टम हेमरेज आपने कभी भी डायग्नोसिस में लिखना भी नहीं होता, तकरीबन हमेशा ही आपने उसकी जो कॉज है वो लिखनी होती है, ठीक है। इसी कॉजेज को भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जो पढ़ाने वाली है, लेकिन आपका कोई भी सिनेरियो ऐसी क्यों ऐसा नहीं आता तकरीबन हमेशा ही जिसमें आपका एंटीपार्टम हेमरेज सिर्फ डायग्नोसिस हो, क्योंकि मेरे बताइए ये तो एक ब्लीडिंग है ना कि जो हो रही है आफ्टर 20 वीक्स, किस वजह से हो रही है, जो इसकी कॉज है वो हमने लिखनी होती है। कॉजेस में प्लेसेंटल कॉजेस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, तो इसमें आपकी दो जो डिजीज है ये बल्कि लिखी हुई है, नंबर 1 इज द प्लेसेंटल एब्रप्शन, इसको भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होती है, और दूसरी है प्लेसेंटा प्रीविया, ये दोनों भी आपकी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये प्लेसेंटल कॉजेज है, उसके बाद फीटल कॉजेज है, फीटल कॉजेज में आती है ये मैं आपको भी बता देती हूँ वाजा प्रीविया, या फिर ये भी बेहतर ये है कि मैं आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बाद ही बताती हूँ कि वाजा प्रीविया क्या होता है। और फिर ये मेटर्नल कुछ कॉजेज है, मेटर्नल कॉजेज आप वैसे याद रख लें क्योंकि इनमें कोई नई बहुत डिफरेंट सी बात नहीं है कि सपोज ये कि कोई वजाइनल ट्रॉमा मदर को मिला है, जाहिर सी बात है कि वजाइनल ट्रॉमा होगा तो ड्यूरिंग जो आपकी प्रेगनेंसी है ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। किसी किस्म का वजाइनल ट्रॉमा है, कोई सर्वाइकल सर्वाइक, क्योंकि देखे ना मेटर्नल जो आपकी ब्लीडिंग होती है उसमें आपने सर्विक्स को कभी भी नहीं भूलना होता, क्योंकि हमें ब्लीडिंग होती हुई वजाइना से निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो हो सकती है कि ऊपर किसी प्लेसेंटा के मसले की वजह से हो रही हो सकते है, सर्विक्स के किसी मसले की वजह से हो सकते है। तो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन सिंपली अगर एक बेनाइन सी कंडीशन है वो प्रेजेंट हो, वो भी ब्लीड करने लग जाते हैं, इससे भी सिंपल सर्विसाइटिस होना, ठीक है, यानी सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है सिंपली। तो सर्विसाइटिस आपकी प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, सर्विक्स का इन्फेक्शन तो कभी भी हो सकता है ना, ठीक है। सर्विसाइटिस सिंपली हो गया, या फिर सिंपली वेजिनाइटिस हो गया, क्योंकि कुछ कुछ टाइप के वेजिनाइटिस भी ऐसे हैं जो ब्लीडिंग करते हैं। सर्वाइकल कार्सिनोमा यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है, इस वजह से हम सर्वाइकल कार्सिनोमा लिखते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कार्सिनोमा ये आपकी वो चीजें जो कि बहुत लोकल से कंडीशन है जो कि ब्लीडिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपने कभी भी जब आपको ऐसी फीमेल मिले तो आपने इन कॉजेज को रूल आउट जरूर करना है, ठीक है। तो सिंपल से है, तो ये मेटर्नल में आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने पहले हम जरा ना एक काम करते हैं कि अप्रोच कैसे करना है फीमेल को जो कि ब्लीडिंग के साथ आ जाए, उसमें हम स्पेसिफिकली कंडीशंस के साथ ले जाते हैं, क्योंकि आपके पास कभी भी सिनेरियो मैंने बताया अलग से नहीं आता, तो फिर मैं उसमें बता देती हूँ। अगर वैसे आप समझ लें कि नॉर्मली आपको जब वो सिनेरियो देते हैं तो सिनेरियो में उन्हें आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के पॉइंट्स तो बता ही दिए होते हैं, और आपकी बात ये होती है कि आपने मैनेज करना है, मैनेजमेंट में आपने उससे इन्वेस्टिगेट करना है और फिर आपने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या होगा, जाहिर आप पूछेंगे ब्लीडिंग कब से है, कितनी है, उससे कोई थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर का पूछेंगे, जैसे पोस्ट कोइटल ब्लीड ज्यादातर अगर वो के ना कंप्लेन करे तो उसमें आपका सबसे पहला ध्यान देते हैं सर्विसाइटिस या वेजिनाइटिस पे, ठीक है, पोस्ट कोइटल ब्लीड पे या डिस्पेरूनिया पे, ठीक है। तो आपने ये बात उससे पूछ लेनी है। तो आपकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बात वही वाली बात है कि भाई ब्लीडिंग है तो कब से हो रही है, कितनी ज्यादा हुई है, एक एपिसोड थी या मल्टीपल एपिसोड थी, उसके साथ कोई पेन है या नहीं है, और पैसेज ऑफ क्लॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्लॉट्स आते हैं ना वो नॉर्मली प्लेसेंटल एब्रप्शन को शो कर रहे होते हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स, आपने उससे पूछना होता है कि क्या कोई खून जमा हुआ या खून के क्लॉट्स, उन्हें वैसे भी समझ आई जाती है वो तो नहीं आए थे, और वो आए थे तो कितने साइज के थे,
बड़े थे या छोटे थे, क्योंकि बड़े क्लॉट्स प्लेसेंटा जब टूटता है अपनी जगह से उखड़ता है तो उसकी निशानी भी बड़े बड़े क्लॉट्स होते हैं ब्लड के, ठीक है। तो वो आपने पूछने बहुत जरूरी है। एंड देन यू हैव टू आस्क अबाउट बेबी के उसकी मूवमेंट, आपको बच्चे की हरकत महसूस हो रही है, क्योंकि अगर उसका कोई ऐसा सिलसिला हुआ है कि बच्चे में डिस्ट्रेस आ गया, इतनी ब्लीडिंग हुई है, तो हो सकता है उसे बच्चा ही अंदर जो है वो बेचारा डेड हो गया और स्टिल बर्थ हो चुकी हो उसकी, मतलब वो जाहिर अंदर से जिंदा ना हो, इसलिए बच्चे की हरकत का पूछना भी जरूरी है। अच्छा, हिस्ट्री में एग्जामिनेशन में आपने उसके सारे वाइटल्स लेने हैं, विच इज ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि यूट्रस को पैल्पेट करके वो सॉफ्ट है या फर्म है, टेंडर तो नहीं है, वो भी आगे मैं बताती हूँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन आपने बच्चे को चेक करने के लिए उसकी सीटीजी जरूर करनी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाहिर है वजाइना को और सर्विक्स को देखने के लिए कोई लोकल पैथोलॉजी आपने स्पेक्युलम एंड पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर लेनी है। ये होगी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन हम आगे इसी में देख लेंगे। अच्छा, बहरहाल आपसे मैंने कहा क्योंकि एंटीबायोटिक मेमोरीज अलग से नहीं आता, तो अगर आपसे किसी ने अगली कोई बात पूछ ली तो उसी में आप ही हिस्ट्री एग्जामिनेशन लिखेंगे जो मैंने भी बताई है, मतलब ये जनरल सी है, किसी भी कॉज में फिट हो जाती है। अब सबसे पहली जो हमारी कॉज है एंटीबायोटिक मेमोरीज की, जिसमें बोली है, वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब यह है कि प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह से उखड़ गया है, ठीक है। आसान तरीन लफ्जों में प्लेसेंटल एब्रप्शन की डेफिनेशन यही है कि इट इज द प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। प्लेसेंटा कहाँ लगा हुआ होता है, आपने देखा है कि ऐसे करके उन्होंने अक्सर यूट्रस की तस्वीर बनाई हुई होती है, इधर ऐसे करके बीच में जो है वो आपका जो बेबी है वो पड़ा हुआ, ठीक है, ये उसके हाथ पाँव है, और यहां पर सपोज अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है, और इधर ऐसे करके प्लेसेंटा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा बेसिकली चिपका हुआ होता है विद द यूट्राइन वॉल, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ प्लेसेंटा लगा हुआ होता है। अगर वो इससे प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाएगा, प्रीमेच्योर सेपरेशन से मुराद है कि मेच्योर सेपरेशन तो तब होती है ना जब डिलीवरी पे बच्चा डिलीवर हो चुका है, उसके बाद उस फुलन प्लेसेंटा को सेपरेट हो जाना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले किसी भी टाइम पे प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस यानी यूट्राइन वॉल से, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नाउ प्लेसेंटल एब्रप्शन। अब आपको पता है ये बात इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी ब्लड जो बच्चे को आ रहा है, जिसके रिजल्ट में बच्चे को ऑक्सीजन मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, वो सब इस प्लेसेंटा के थ्रू आ रहे हैं। और प्लेसेंटा में ब्लड कहां से आ रहा है कि प्लेसेंटा में तो आपको फीटल वेसल्स हैं एक तरफ, और एक तरफ मेटरनल वेसल्स हैं, जो कि और ब्लड उन मेटरनल वेसल्स में आते हैं फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्रस में ही आपके पास सारी आर्टरीज हैं, फिर जो ब्लड लेके आती है फिर वो प्लेसेंटा तक पहुंचता है और लेके आते हैं। अगर ये प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी ब्लड सप्लाई है बच्चे की वो रुक जाएगी। उसकी ब्लड सप्लाई रुकने से मुराद है कि जो ब्लड की उसकी ऑक्सीजनेशन थी वो रुक जाएगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई रुक जाएगी, तो वो सब रुकने की वजह से बच्चा तो शदीद हाइपोक्सिया एंड डिस्ट्रेस में चला जाता है फौरन से। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन। और उसके साथ साथ क्योंकि आपको बताया ना कि देखिए एक चीज हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज एबनॉर्मल होती है तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ जरूर देती है। अब ये क्या हुआ कि इसको सेपरेट नहीं होना चाहिए था और ये सेपरेट होने लगे, तो एकदम से यहां पर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होगा। जब भी आपका ये पेट है ना माँ का, तो जब भी मेटरनल एब्डोमेन में ऐसा कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो डेफिनेट सी बात है कि यहां पर पूरा वो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस होता है, वो जो कास्केड होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में एडिमा और सब कुछ होना, और उसके रिजल्ट में उसका माँ का जो एब्डोमेन है उस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में शदीद टेंडर होगा, उसको बहुत सिवियर पेन भी हो रही होगी, और उसके साथ आपको मतलब टेंस भी एब्डोमेन फील होगा, जो कि हम नहीं कहते गार्डिंग हो जाती है। गार्डिंग क्यों होती है, जब हमने आपको याद है अपेंडिक्स पड़ी थी तो हमने कहा था अपेंडिसाइटिस होती है, तो बेसिकली अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो ऊपर से एब्डोमेन जो है वो टेंडर होने के साथ साथ टेंस हो जाता है, सख्त हो जाता है। वो जो सख्त हो जाता है ना एब्डोमेन, एक तो होता है कि आप हाथ लगाएं तो एकदम से पेशेंट उसको सख्त कर ले, उसको गार्डिंग कहते हैं। एक होता है कि जब नीचे अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा होती है ना, तो ओवरलाइन जो मसल्स हैं वो उसके रिजल्ट में स्पैज्म में चले जाते हैं। तो यहां पर भी यही हो रहा होता है कि अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा है कि ओवरलाइन मसल्स स्पैज्म में चले जाते हैं, उसके रिजल्ट में रिजिडिटी हो जाती है। रिजिडिटी का मतलब है कि आप हाथ लगाएं या ना लगाएं एब्डोमेन टेंस ही होगा, रिजिड ही होगा। यहां पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बात बताई है क्योंकि आपकी दो ही चीजें आती हैं आपके हेमरेज में, एक आपका एब्रप्शन आता है और एक आपका प्रीविया आता है, और इन दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो यही कि यहां पर जो हो रही है वो पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विद टेंस एंड टेंडर एब्डोमेन, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकली अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कुछ फीमेल्स का एब्डोमेन टेंस और टेंडर नहीं होता, मतलब उनको पेट और हाथ लगाओ तो दर्द भी नहीं होता और टेंस भी नहीं होता, सॉफ्ट होता है। लेकिन हमारे सिनेरियो में ये चीज हमेशा होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 90 to 99% टाइम ऐसा होगा, ठीक है, कि पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग है, मदर को साथ पेन भी हो रही है, ठीक है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये बिल्कुल यही एक चीज है जिसे प्रीवियस से डिफ्रेंशिएट करती है। माँ है कि मुझे बहुत सख्त जो है वो दर्द हो रहा है पेट में, साथ मुझे ब्लीडिंग शुरू हुई भी है, उसके साथ साथ उसका एब्डोमेन विल बी
टेंस यानी सख्त होगा, रिजिड होगा एंड टेंडर, हाथ लगाने पे दर्द होगा। और टेंस होने की वजह मैंने आपको बता दी कि एक चीज खराब हो रही है, उसको ठीक करने की बॉडी कोशिश कर रही है, इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है, तो ये उसकी क्लिनिकल फीचर्स है। उसके साथ साथ अब जाहिर है ब्लीडिंग हो रही है ना, तो ब्लीडिंग के रिजल्ट में अब आपको ब्लीडिंग जितनी ज्यादा, प्लेसेंटल एब्रप्शन जितनी होती है, उतना ज्यादा आपका साइंस ऑफ एनीमिया एंड शॉक की तरफ पेशेंट जा रही होती है। तो आपको हमेशा वो सिनेरियो में देंगे, साइंस ऑफ शॉक क्या होते हैं, बीपी लो हो जाएगा 80-60 या 90-60 हो जाएगा, पल्स उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी 110 तक पहुंची हुई होगी, हो सकता है हल्का फुल्का उसका फिब्राइल जो फीवर टाइम है वो भी शुरू हो जाए, मतलब 100 तक उसका फीवर हो जाए। और वो आपको बताएं कि रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है मदर की, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही है ना, और उसके साथ साथ उसको पेन भी है, तो वो शॉक की कंडीशन में जा रही होती है। ठीक है, तो आपको यही सिनेरियो आएगा कि ग्रेविडा 2 पैरा 3 फीमेल आपको प्रेजेंट की है 36+5 वीक्स विद द कंप्लेन ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग विद द लास्ट 1 आवर विच इज पेनफुल एसोसिएटेड विद दिस वाइटल्स एंड ऑन एग्जामिनेशन हर एब्डोमेन इज टेंस एंड टेंडर। अब बताएंगे क्या हुआ, तो हुआ प्लेसेंटल एब्रप्शन है। ठीक है, तो ये आपने यहां तक याद रखना है, मैनेजमेंट में भी आपको बताती हूँ वो, क्योंकि प्रीवियर की और इसकी सेम ही है तकरीबन, तो मैं आपको बता देती हूँ एक साथ ही। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन है पहले हम उसको अगर डिस्कस कर लें तो वो है जी आपकी प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो हुआ ना कि प्लेसेंटा उखड़ गया था। अच्छा, ये प्लेसेंटल एब्रप्शन जो है ना, मैंने इसके साथ एक बात और जो आपको बताई थी कि अब आप देखिए जब प्लेसेंटा उखड़ता है ना, तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्लेसेंटा उखड़ चुका होता है लेकिन ब्लीडिंग उतनी ज्यादा नहीं हुई होती, तो कभी भी आपने वजाइनल ब्लीडिंग से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी एब्रप्शन हो चुकी है और बच्चे की क्या हालत होगी। एब्रप्शन से हमारा सारा ताल्लुक बच्चे और मदर के साथ ही है ना, क्योंकि एक तरफ ब्लीडिंग हो रही है तो मदर भी शॉक में जा रही है और दूसरी तरफ बच्चा डिस्ट्रेस में है एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ द फीटस। ठीक है, तो इस वजह से हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको क्या बताई थी कि हमारे पास क्या हुआ कि यहां से जब प्लेसेंटा उखड़ते हैं ना, देखें ये प्लेसेंटा इधर नहीं रहा, अब ये उखड़ के सपोज करते हैं कि इधर से सारा उखड़ गया, यहां से भी उखड़ गया और इधर तक आ गए। ठीक हो गया, ये इधर से जुड़ा हुआ रह गया, बाकी सारा उखड़ के यहां आ गया, अब ये एंडोमेट्रियम रह गया। अब इस बात का कोई अंदाजा नहीं कर सकता ब्लीडिंग से कि कितना प्लेसेंटा उखड़ा, क्योंकि दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ये प्लेसेंटा उखड़ा हो और सारा का सारा ब्लड यहां कलेक्ट होने लग जाए। ठीक है, ब्लड इधर कलेक्ट होने लग जाए, इधर से भी रास्ता थोड़ा तंग होगा, ब्लड इधर कलेक्ट होने जाए, ब्लीडिंग बहुत थोड़ी थोड़ी हो, तो थोड़ी ब्लीडिंग के साथ भी जब तक आप कंफर्म ना कर लें कि कितनी एब्रप्शन हो चुकी है, आप कुछ भी नहीं कह सकते और आपने फौरी तौर पर मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है, बिकॉज ब्लड कलेक्शन अंदर अगर जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही ज्यादा रिस्क टू द मदर एंड द फीटस बढ़ता जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर इसका डायग्नोसिस किस तरह से करना होता है, डायग्नोसिस इज मेड ऑन स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन आप करते हैं एक तो वो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन आप नॉर्मली जाहिर है आपको सिंपल एग्जामिनेशन से तो प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं पता चलती, अल्ट्रासाउंड स्कैन से आपको पता चलता है कि वेयर इज प्लेसेंटा और आइदर इट इज एब्रप्टेड और नॉट। और उसके साथ आपने सीटीजी मॉनिटरिंग जरूर बच्चे की करनी है कि बच्चे का डिस्ट्रेस किस तरह का चल रहा है या नहीं है मदर के वाइटल्स के साथ साथ, अभी मैं आपको ये तो बताती हूँ आगे भी। ठीक है, तो बहरहाल इसका डायग्नोसिस स्कैन पे होता है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं ये जो प्लेसेंटा प्रीविया की बात, तो प्रीविया कुछ ऐसी बात है कि हमारे पास नॉर्मली प्लेसेंटा को कभी भी उस जगह पे नहीं होना चाहिए जहां से बच्चे ने डिलीवर होना है, और बच्चे ने डिलीवर होना है इस रास्ते से। ठीक है, जो रास्ता बना हुआ है जैसे बच्चे ने डिलीवर होना है, ये इसको अंदर वाली जगह पर हमारे पास जो होती है ये सर्वाइकल ऑस होती है आपको पता है, और आगे ये वजाइनल कैनाल होता है। अगर आपका प्लेसेंटा गलती से, मतलब जाहिर है सही बात तो नहीं होगी ना, इस जगह पर बन जाए, यानी ऐसी जगह बने कि सारा यूट्रस का ये वाला पोर्शन सर्वाइकल ऑस वाला कवर हो जाए, यूट्रस तो सारा का सारा ही आपका होता है ना। ठीक है, और नीचे से यहां तक बंद होता है आपका सर्वाइकल ऑस, यूं करके होता है। अब अगर ऐसा हो कि प्लेसेंटा बन जाए इस जगह पे विच इज कवरिंग सर्वाइकल ऑस, तो उस प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये आपने कभी भी नहीं भूलना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि प्लेसेंटा कवरिंग और एनक्रोचिंग ऑन द इंटरनल सर्वाइकल ऑस दैट इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम ब्लीडिंग। ठीक है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब प्रीविया की जो बात है, ये देखें ये वाली जगह जब ये कवर हो जाएगी उससे प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा तो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, तो इसमें तो ब्लीडिंग का रिस्क और चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और हल्की सी भी कोई रिस्क फैक्टर अगर मौजूद होगा तो ब्लीडिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक से ज्यादा बच्चे थे, या पहले सिजेरियन सेक्शन था, या फिर जो है वो मदर को कोई भी किस्म का स्ट्रेस हुआ या फीटल स्ट्रेस हुआ, तो उसके रिजल्ट में तो प्रीवियस फौरी तौर पे वो करने लग जाते हैं, ब्लीड करने लग जाते हैं। तो आपने एक बात याद रखना है कि प्लेसेंटा प्रीविया वालों की ना हमेशा, अगर कई बार अगर उनका कोई स्कैन हुआ हो, मतलब अगर वो अच्छे उनने रूटीन विजिट्स किए थे और एनोमली स्कैन हुआ हो, तो उनको पहले से ही डायग्नोसिस में उनकी फाइल्स में लिखा होता है कि उनका लो लाइन प्लेसेंटा है। लो लाइन प्लेसेंटा का मतलब यही होता है कि प्लेसेंटा है जो कि नीचे की तरफ है। अब आप एनोमली स्कैन पे जो 20 वीक्स पे करते हैं, अगला आपका ऑस्पी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है या वाइवा का, कि उस पे कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस नहीं करते होते। ठीक है, अगर एक 20 वीक्स पे किसी का स्कैन हुआ है
और उस पे उनको प्लेसेंटा नजर आया है सर्वाइकल ऑस पे, तो वो उसको लेबल नहीं करेंगे कि ये प्लेसेंटा प्रीवियम, वो वहां पर लिख देंगे लो लाइन प्लेसेंटा। द रीजन इज कि अभी हर चीज बड़ी और मेच्योर नहीं हुई, 20 वीक्स की बात है। कई बार ऐसा होता है कि 20 वीक्स के बाद यूट्रस तो ग्रो करे ना, यूट्रस के साइज जैसे जैसे ग्रो करता जाता है प्लेसेंटा खुद बहुत मूव करके इधर ऊपर या साइड पे आ जाता है। तो इस वजह से 20 वीक्स पे एनोमली स्कैन पे आपको नजर जरूर आता है लो लाइन प्लेसेंटा, लेकिन आप उसको लो लाइन लिख देते हैं लेकिन प्रीविया नहीं लिखते। लो लाइन लिखने से फायदा ये होता है कि जो कोई भी अगला स्कैन करेगा वो इस बात को ज्यादा ध्यान में रखेगा कि पहले लो लाइन था, अब वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और अगर फिर आपका 32 वीक्स वक्त प्लेसेंटा जो है वो नीचे ही रहता है तो फिर वो कंफर्म हो जाता है कि ये प्रीविया है। प्रीवियस की मैनेजमेंट में हमेशा आपने उनको पहले से ही एडमिट रखना होता है, क्योंकि उनको आपने लेबर पेन्स शुरू ही नहीं होने देती। अगर उनकी लेबर पेन्स आना शुरू हो जाएंगी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगी, इधर यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करना है, उधर से प्लेसेंटा प्रीविया ने ब्लीड करना शुरू करना, वो ब्लीडिंग इतनी होती है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाती क्योंकि ये सारा प्लेसेंटा आपका वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो इसलिए आप इनको कभी भी लेबर में जाने ही नहीं देते, उससे पहले ही आपने इनको सी सेक्शन से डिलीवर करा देना होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर एक प्रीविया के पास आएगी तो उसकी जो कंप्लेन होगी ना वो होगी पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग की, यही मैं आपको बता रही थी, क्योंकि इसमें कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रही ना, यहाँ पर तो प्लेसेंटा पूरा सेपरेट हो गया था, उसकी वजह से कितना इन्फ्लेमेशन और सब कुछ हो गया था। इधर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लेसेंटा है ही नीचे पड़ा हुआ, नीचे पड़ा हुआ प्लेसेंटा तो जरा सा भी कुछ होगा तो एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी उसको। तो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होती, विदाउट एनी टेंस एंड टेंडरनेस ऑफ द एब्डोमेन, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है तो फीमेल को अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी तो वो शॉक के साइन जरूर डेवलप करेगी, उसी तरह बीपी लो हो जाएगा और पल्स ज्यादा हो जाएगी, ये वाले साइन उसके जरूर डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसकी ब्लीडिंग यकीन तौर पे पेनलेस होगी, ठीक है। और इसको डायग्नोज कैसे करना है, इसको भी आपने अल्ट्रासाउंड पे करना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे आपको नजर आ जाते हैं, ज्यादा अच्छा होता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो आपको और करीब से दिखा देगा, लेकिन रेगुलर में भी होगा। और उसके बाद फिर आपके पास आती है इसकी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है ना वो दोनों की, चाहे वो एब्रप्शन का हो चाहे वो प्रीविया का हो, एक शुरू की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपके पास आई फीमेल ब्लीडिंग के साथ है ना, तो ब्लीडिंग के साथ जब भी कोई फीमेल आएगी तो आपने फौरी तौर पे सबसे क्या करना है कि कॉल फॉर हेल्प, यानी कि दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, आपने फौरी तौर पे स्टाफ को एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद क्योंकि उसको ब्लड की जरूरत हो सकती है, चाहे वो एब्रप्शन है चाहे वो प्रीविया है, आपने फौरी तौर पे क्रॉस मैच कराना है ब्लड, एटलीस्ट 6 जो आपके पैक्स हैं ब्लड के वो क्रॉस मैच करा के, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग करा के आपने पहले से तैयार रखने हैं, क्योंकि वो ब्लड उसको अभी फॉरन भी जरूरत पड़ सकती है, डिलीवरी हो सकता है आपको भी करानी पड़ जाए, हो सकता है बाद में कराएं, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके साथ आपने फौरी तौर पर उसकी जो ब्लड लैब्स भेजनी है वो ब्लड सीपीएन क्लॉटिंग स्टडीज एलएफटीज एंड आरएफटीज, इनका मकसद ये होता है बेसिकली हम देखना चाह रहे होते हैं एक तो बेसलाइंस कैसी है फीमेल की, कहीं कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं पड़ा हुआ मौजूद, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी निकल आए, जैसे क्लॉटिंग स्टडीज में अगर उसकी हो सकता है क्लॉटिंग प्रोफाइल ही डिरेंज्ड हो उसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर हो सकता है एलएफटीज में हमें पता चल जाए उसे क्रॉनिक लिवर डिजीज है जिसकी वजह से उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स बन ही नहीं रहे तो उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इस तरह की चीजों में से भी तो ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के लिए आप बेसलाइंस करा लेते हैं, एंड देन अगर आपने सी सेक्शन करना है तब भी आपने बेसलाइंस तो करानी है, ठीक है, वो करा लिया आपने। फौरी तौर पे आपने आईवी लाइन मेंटेन की, और अगर आपको जरूरत है तो आप फौरी तौर पे क्रिस्टलॉइड्स देना शुरू कर देते हैं, यानी नॉर्मल से लाइन, अगर वो आपको लग रहा है कि हाइपोक्सिक हो रही है तो आप उसे ऑक्सीजन देना शुरू करें, फॉलीज कैथेटर पास करेंगे और उसकी इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग फौरी तौर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर फीमेल आपको नजर आ रहा है कि आपने क्रिस्टलॉइड्स यानी कि नॉर्मल से लाइन देना शुरू किया है और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, रिस्पॉन्स करने से बना तो उसका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा, तो आप उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर या कोई आइनोट्रोपिक ड्रग दे देते हैं जो कि उसको थोड़ा सा हार्ट को सपोर्ट करे ताकि उसका बीपी मेंटेन रहे। बीपी मेंटेन रखना हमारे लिए इस वजह से बहुत जरूरी है कि जब तक बच्चा अंदर है बच्चा मदर सर्कुलेशन पे ही डिपेंड कर रहा है इस बात के लिए कि बच्चे को ऑक्सीजन मिले, अगर मदर का बीपी इतना लो होगा तो बच्चे की प्लेसेंटा को परफ्यूजन नहीं मिलेगी, एंड एज अ रिजल्ट जितना कुछ प्लेसेंटा में ब्लड जा रहा है वो भी बच्चे को ऑक्सीजनेट नहीं करेगा, एंड इट विल रिजल्ट इन ड्रास्टिक सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने क्या कर दिया, आपने उसे प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दिया, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर जरूरत पड़े तो उसी वक्त कर देनी है, उसकी मॉनिटरिंग की अब डिपेंड करता है, ये हम लिखने में लिख देते हैं लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है आपको बाकायदा सीवीपी डाल के, सेंट्रल वीनस लाइन डाल के, क्योंकि उसका जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको नहीं समझ में आ रही होती है, मॉनिटर मेंटेन नहीं होता, फिर आप सीवीपी से उसको सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास फीमेल आई है, वही बात है कि ये तो इमरजेंसी मैनेजमेंट लिखी है ना, अब उन्होंने कहा कि एलिमिनेट द कॉज, अब एलिमिनेट द कॉज में अगर आपको स्कैन किया आपने फौरी तौर पर आपको प्लेसेंटल एब्रप्शन मिली है, तो एब्रप्शन में आपने ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके उसके बाद फॉरन डिलीवरी प्लान करनी होती है, बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन, इसमें फौरी तौर पर आपने सी सेक्शन से, या अगर नॉर्मल उसकी लेबर पेन स्टार्ट हुई भी है तो आप नॉर्मल करेंगे लेकिन सी सेक्शन से डिलीवर करना होता है, ठीक है।
अच्छा उसके बाद अगर फीमेल आई है प्रीविया के साथ, तो प्रीविया के साथ फीमेल है अभी बिफोर टर्म यानी 33 वीक्स पे ब्लीडिंग उसकी है, माइनर सी ब्लीडिंग है, तो आप कोशिश करते हैं कि उस वक्त कंजर्वेटिवली मैनेज कर लें और किसी तरह उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन अगर वो ब्लीडिंग आपको लगता है स्टॉप नहीं हो रही, तो आपने फौरन सी सेक्शन से डिलीवर करना है। प्रीवियस आर ऑलवेज डिलीवर्ड वाया सी सेक्शन, ठीक है। अगर आपको प्री टर्म बच्चा डिलीवर करना पड़ता है, तो आपने हमेशा क्या करना है कि कोशिश ये करनी होती है कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाएं। द स्टीरॉयड इंजेक्शन इज नीडेड, क्योंकि जो प्री टर्म बच्चे होंगे उनके लंग्स अभी मेच्योर नहीं हुए होते। आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं तो लंग मेच्योरेशन जरा तेजी से हो जाती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद आप फिर स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं। कोशिश करते हैं कि इसके बाद 24 to 48 आवर्स वेट करें, ठीक है, मतलब उस वक्त तक डिलीवरी ना करें। डिपेंड करते हैं मदर की कंडीशन इस दौरान कैसी रहती है। अगर उसकी कंडीशन इस तरह की रह रही है कि आप कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हो, बर्दाश्त कर जाएगी ये टाइम, तो फिर आपने इतना वेट करना है ताकि स्टीरॉयड को एक्शन का टाइम मिले और बच्चे के लंग्स थोड़े मेच्योर हो जाए, और फिर आप मदर को डिलीवर कर देते हैं, सॉरी बच्चे को डिलीवरी करा देते हैं, ठीक है। चाहे प्री टर्म ही है, मतलब 32 वीक्स है, 33 वीक्स है, वो आप करा देते हैं। फिर हमारे यहाँ ये होता है कि जितना हम कोशिश करते हैं कि चल सके आगे टाइम के करीब तक ले जाते हैं, ताकि जो है वो बच्चे की ज्यादा मॉर्बिडिटी ना हो और उसके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रीवियस अगर वही बात है कि ब्लीड करते रहेंगे, तो फिर तो आप कुछ और आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लीडिंग जरा कंट्रोल्ड है, तो आपने उनको एडमिट रखना है, स्टीरॉयड का इंजेक्शन देना है और जस्ट वेट करना है कि थोड़ा बहुत टाइम देके फिर आप उनको डिलीवर करा लें। तो ये बस इसकी मैनेजमेंट का तरीका होता है और तो कुछ भी नहीं होता। और अगर आपको ब्लीडिंग से पहले फीमेल आई थी और वो आपको एक रेगुलर स्कैन के लिए आई थी, सपोज 28 वीक्स पे आई है, जो आप स्कैन कराने आई और स्कैन पे आपने देख लिया उसका प्रीविया है, तो आपने उस फीमेल को हर सूरत एडमिट कर लेना है जब तक उसकी टर्म नहीं आती और आप उसको डिलीवर नहीं करा लेते, उसको फिर आपने घर नहीं जाने देना होता। अगर घर बहुत करीब है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेते, क्योंकि वो प्रीवियस का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। Thank you.